हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमार सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच 1K फैमिली के लिए, और दूसरा इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का मैं बात करने वाले बिहार कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, दूसरा प्लेसमेंट के बारे में, और तीसरा यहाँ का फीस स्ट्रक्चर के बारे में, और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यहाँ का बिहार में जो माइंडसेट है कि बिहार में पढ़ाई नहीं होता है, ओके, एजुकेशन सिस्टम कमजोर है, और दूसरा यहाँ का प्लेसमेंट नहीं होता है, तो इस चीज को थोड़ा सही करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और प्लीज शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे कोई भी बात झूठा लगे तो आप क्या करना है कि जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां के सीनियर को कॉल करना और पूछना कि कोई बच्चा हार्डवर्क कर रहा है, ओके, और उसका प्लेसमेंट ना हुआ हो, ओके, क्योंकि यहाँ भी रिजल्ट दिया जाता है। तो इस चीज को आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इस कहानी का स्टार्ट होता है 2017 और 18 से, ओके। उससे पहले तक BCC का अपना एग्जाम होता था और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलती थी। अब क्या हुआ कि आपको जेई मेंस के कम परसेंटाइल पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, ओके। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि बिहार में स्टूडेंट का हायर एजुकेशन में 1% इनरोलमेंट रेशियो है, 1%। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, या फिर कहो कि हम लोगों का बेस कमजोर है, ठीक है ना, कि हम लोगों के 12th के जो भी टॉपर बने हैं 2-3 साल पहले तक, ठीक है ना, उनको पोटासियम क्रोमेट का फॉर्मूला तक नहीं मालूम है और वो टॉपर है, ओके, होम साइंस क्या होता है और उसी में वो लोग टॉपर है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोगों का बिहार थोड़ा नाम बदनाम है और न्यूज वाले थोड़ा सा और बदनाम कर देते हैं, ओके। तो इस कारण से सभी लोगों को लगता है कि बिहार से बाहर ही अच्छी पढ़ाई है और वहां के कोई भी कॉलेज में जाओ पढ़ो और वहां पे आप मतलब प्लेसमेंट होगा, और ऐसा कुछ नहीं है, ओके, कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप पढ़ते हो यहाँ का भी रिजल्ट अच्छा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप अपने सीनियर से कॉल करके पूछ सकते हो, जितने भी आपके सीनियर, कि हार्डवर्क किया होगा और अच्छा रिजल्ट आया होगा और उसका प्लेसमेंट ना हुआ हो बिहार यंग में। हाँ, एक और चीज बताऊंगा प्लेसमेंट के बारे में, जैसे कि कोटा का आप मान लेते हो, कोई भी कोटा में इतने सारे स्टूडेंट जाते हैं और मात्र 2.1% लोग IIT में जाते हैं, ओके, 2.1%। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लड़के लोग पढ़ने जाते हैं। उसी तरह से बिहार में भी है, लेकिन बिहार का कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 35+ जो भी कॉलेजेज हैं उसमें 20+ ऐसे हैं कॉलेज जिनका अभी मतलब क्या होता है, 4th ईयर तक कम्प्लीट है, मतलब 4 साल भी नहीं हुआ है बने हुए उस कॉलेज को, ओके। अब आप चाहते हो कि उस कॉलेज में प्लेसमेंट हो, ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं ना। तो इस कारण से लगता है कि हाँ कॉलेज इतना है, प्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए प्लेसमेंट रेशियो थोड़ा यहाँ कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है, ओके। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको देखना होगा, ओके। अगर आप कंपेयर करते हो बाकी सब कॉलेज से, जितने भी नॉर्थ इंडियन कॉलेज है MP में, या फिर आप चले जाओ यहाँ पे कोलकाता में, या पे झारखंड में चल जाओ, ओके, तो यहाँ बोलूंगा कि बाकी सब कॉलेज से इक्विवेलेंट है, किससे कम नहीं है बिहार में, ओके, कोई कम नहीं। अगर आप मेहनत करते हो, थोड़ा सा भी तैयारी करते हो, तो आपको प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है, और यहाँ पे ऑप्टिमम अमाउंट में मिलेगा ही मिलेगा कैंपस प्लेसमेंट आपको, भले ही पूल कैंपस मिले, लेकिन मिलेगा आपको अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हो तो। और ये जो भी कहते हैं कि प्लेसमेंट नहीं होता है, ना के बराबर होता है, तो ये चीज गलत बोलते हैं, उनको जाके बोलो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जिस कॉलेज में आ रहे हो उस कॉलेज के सीनियर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस कॉलेज के सीनियर से कॉल करके पूछो कि जो मेहनत करता होगा उसका प्लेसमेंट ना हुआ हो, ओके। तो इस चीज को थोड़ा देख लेना, और इस चीज को, ये प्लेसमेंट गिरने का थोड़ा नतीजा ये भी है कि यहाँ का जो पहले 2017-18 तक इनरोलमेंट रेशियो 1% था, 1% आप समझो पूरा पॉपुलेशन बिहार का कितना, और उसका 1% अगर इनरोल हो रहा है तो समझो कितना कम स्टूडेंट है। इसी कारण से जेई मेंस इसमें लेता था, मतलब सॉरी जेई मेंस आया है, ताकि कम से कम कुछ कम परसेंटाइल भी हो तो बच्चा लोग घुस जाए इसमें और जाके पढ़े, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंक्रीज करने के लिए इस चीज को किया गया है, ओके। और देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि 2-3 साल और लगेंगे, उसके बाद बिहार जो है वो NIT का बराबरी करेगा, ओके। तो इस चीज को बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ के फी स्ट्रक्चर का, ओके। तो अगर फी स्ट्रक्चर का यहाँ का बात करते हैं तो सबसे इंडिया में सबसे कम फी स्ट्रक्चर है इसका, ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा कम जाधवपुर का, लेकिन उससे कम बोला है तो ये बिहार यहीं का, ओके, क्योंकि मात्र आप यहाँ पता है, आप कहीं भी आप प्राइवेट में जाओ या फिर कोई भी IIT NIT में जाओ तो आपको 60+ थाउजेंड लगेंगे पर सेमेस्टर का, और यहाँ पे 60 रुपीज लगता है पर सेमेस्टर का, 60 रुपया, ओके। यहाँ का एडमिशन चार्ज 10 रुपया लगता है, ओके। तो यहाँ पे जो भी पैसा लगेगा आपको वो एग्जामिनेशन फी लगता है, ओके। तो टोटल अगर आप जनरल का बात करते हो तो 32,000 से लेकर 37,000 के बीच में जनरल का फी होता है 4 साल का, ठीक है ना। तो आप अगर कैटेगरी वाइज हो तो आपको थोड़ा कम मिलेगा,
तो इस चीज को थोड़ा देख लेना। और यही है यहाँ पे, और सबसे कम पैसा में इंजीनियरिंग एक बिहार इंजीनियरिंग करवाता है, ठीक ना। और इस मामले में बोलूंगा कि कोई भी मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उनसे काफी अच्छा मेरा बिहार इंजीनियरिंग है। ओके, यहाँ पे पढ़ाई भी होता है, क्योंकि एक और जो पढ़ाई के मामले में बात, यहाँ पे जितने भी टीचर वो बीपीएससी क्वालिफाइड है। आप कहीं भी जाओ प्राइवेट कॉलेज में, वो गारंटी देंगे कि हाँ उनका जो भी टीचर है वो काफी अच्छी जगह से बिलोंग करता है, या फिर आपको पता है कि हाँ कि मतलब कहीं भी रोड चलते ही उठा के लाया होगा, नहीं पता आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो भी टीचर है वो बीपीएससी क्वालिफाइड रहते हैं और कुछ नहीं। ओके, तो इसलिए यहाँ का देखिए, यहाँ के टीचर लोग माहौल मतलब नहीं पढ़ा पाता, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। लेकिन अब जो स्टूडेंट जो आ रहे हैं, जो भी आप लोगों की तरह आएंगे, उन लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है, प्लेसमेंट का, कॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करने का। ओके, तो इस चीज को थोड़ा देखना आप लोग, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ आपका कॉलेज नहीं, इसको अपग्रेड करने का जिम्मा भी आप ही के हाथों में है। ओके, तो इस चीज को देखते रहना। और बात रहा आप इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओके, तो जो अभी पुराने कॉलेज हैं तो उनका तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो अभी नए नए बन रहे हैं कॉलेज, ठीक है, उन सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। इसलिए ये मत सोचना कि हाँ उसका कॉलेज थोड़ा बड़ा है, उसका छोटा है, ठीक है, यहाँ पर सभी का सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। और बात कर रहा था, इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन मोटिव ये था, ओके, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज गलत है, मतलब क्या बोलते हैं, गंदा है, पढ़ाई नहीं होता है सिर्फ डिग्री के लिए। तो ये चीज गलत है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हो तो ये चीज होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं तो किसी भी सीनियर के बात पे जाओ, ओके, जाओ पूछो क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगे तो शेयर करो, ठीक है, क्योंकि आपको आईआईटी का एनआईटी का वीडियो को बहुत मिल जाएगा यार, लेकिन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करने का इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं थोड़ा स्टार्ट किया हूँ, तो इस चीज को थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके। अगर थोड़ा सा भी, अगर आप सीनियर हो, अगर आप सीनियर आप वीडियो देख रहे हो, मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के देख रहे हो या फिर सेकंड ईयर का भी देख रहे हो, तो इस चीज को शेयर करो अपने जूनियर्स के साथ, ओके, कि थोड़ा सा कॉलेज को अब अपग्रेड करना, बिहार इंजीनियरिंग को थोड़ा अपग्रेड करना, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम इसका गिरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का बेस कमजोर है, जो भी 11th 12th है उसका बेस कमजोर है, तो इस चीज को सही करना भी आप ही का काम है, ओके। तो आप ट्राई करो, इस चीज को बताओ कि हाँ बाबू यहाँ पे कुछ नहीं था, गलत इन्फो मेरे यहाँ था, कि मैं भी गया था फर्स्ट ईयर में तो मेरे को यही बोला गया था कि कोई प्लेसमेंट नहीं होता, ओके, लेकिन हाँ ये बोलूंगा कि मेरे सीनियर में से बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। तो इस चीज को मैं बोलूंगा, गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। और दूसरी चीज कि आप ट्राई करो कि हाँ कॉलेज मिले, ओके, और कॉलेज मिले तो आप पढ़ाई करो, थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो ऑप्टिमम बैलेंस में आपको कोई ना कोई प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है यार, या फिर पूल कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस हो, लेकिन आपको मिलेगा ही कैंपस, ओके। और ट्राई करो कि पॉजिटिव चीजें शेयर करें, ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी जो भी मेरे भाई हैं यूट्यूब चलाते हैं बिहार इंजीनियरिंग के बारे में, थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि उनके लिए कि प्लीज ट्राई करो कि थोड़ा सा लीक से हटकर थोड़ा शेयर करो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, सिर्फ प्लेसमेंट और ये सब चीज के बारे में मत बताओ, ओके, थैंक यू सो मच। और हम ही लोगों को अपग्रेड करना है इस बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि एक यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम है, मतलब या फिर मीडियम बोल सकते हो, जिससे हम लोग अपने कॉलेज के बारे में बता सकते हैं। तो क्या करोगे, जितने भी आप यूट्यूबर हो वो अपने अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ बताओ, ठीक है ना, कि जो भी हम लोगों के न्यू कमर्स आ रहे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको फायदा हो, ओके, और वो मतलब डीमोटिवेट ना हो कि अरे जा रहे सिर्फ डिग्री के लिए, पढ़ाई नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे, मस्ती के साथ साथ आपको पढ़ाई भी मिलेगा, ओके, सभी कॉलेज में, बस ट्राई करो कि जाओ और मेहनत करो, ओके, थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से, आप सेकेंड ईयर में जाओ तो कौन कौन से एग्जाम है जिसका आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ओके, चलो थैंक यू सो मच। और वीडियो लाइक मतलब अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बस सत श्री अकाल, बाय, ख्याल रखिएगा।